नमस्कार दर्शकों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल वीआर एस्ट्रोलॉजी में। दर्शकों, 2024 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। देवताओं के गुरु बृहस्पति राशि बदलने वाले हैं। गुरुदेव बृहस्पति का गोचर अभी मेष राशि में जारी है, जो कि 1 मई 2024 को दोपहर 2:29 में वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। इसका मीन राशि वाले जातकों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, ये वीडियो आप पूरा अवश्य देखिए, आपके लिए जानकारी जरूर लाभप्रद सिद्ध होगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कुंडली हमारे द्वारा दिखाना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो हमारे नंबरों पर संपर्क करके आप अपना कॉल अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अब आते हैं दर्शकों, हम हमारे विषय पर। देखिए दर्शकों, मीन राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपके ये लग्नेश होते हैं, साथ ही साथ दशमेश होते हैं। लग्न के अधिपति और दशम भाव के अधिपति का राशि बदलना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अभी तक ये आपके धन भाव में गोचर कर रहे थे, अब आपके पराक्रम भाव यानी थर्ड हाउस में आने वाले हैं। देखिए दर्शकों, थर्ड हाउस में गुरुदेव का आना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा, क्योंकि ये आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपके अंदर हताशा आ गई थी, कोई निराशा थी, काफ़ी समय से आप चिंता में थे, हमेशा उलझनों में उलझे थे, तो अब आपके अंदर एक नई जोश, नई उमंग देखने को मिलेगी। आपके अंदर पराक्रम में वृद्धि होगी, आप अपने जोश के चलते काफ़ी मेहनत करेंगे और आपके कामों में आपको सफलताएं भी मिलेगी। थर्ड हाउस में गुरुदेव के गोचर के कारण आपके अब मेहनत के कारण आपको लाभ अच्छे मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव का प्रभाव भाग्य भाव पर भी रहेगा। इस कारण आपके कामों में आपको सफलताएं मिलेगी भाग्य के बदौलत। अब आप मेहनत काफ़ी अच्छी करेंगे और आपकी मेहनत का फल भी आपको मिलता दिखाई देगा। थर्ड हाउस में देखिए, लग्नेश के आने से आपके भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके मित्रों का सपोर्ट मिलेगा, ये अच्छी स्थिति देखी जा सकती है। देखिए दर्शकों, लग्नेश और दशमेश का आपके थर्ड हाउस में आना आपके थोड़ा सा कामों में मेहनत ज़्यादा दिखाता है, इससे हम नकार नहीं सकते। आपके कार्य क्षेत्र में आपको काम ज़्यादा मिल सकता है, कोई ना कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है, तो थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन में मत आइएगा, इस बात का ध्यान रखिए। काम के बोझ के चलते आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, परंतु दबाव महसूस मत करिएगा, उस काम को पूरे खुशी के साथ, जोश के साथ करेंगे तो अच्छी सफलताएं भी मिलेगी। देखिए दर्शकों, गुरुदेव का प्रभाव देखा जाए तो उनकी पंचम दृष्टि रहेगी आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के गुरुदेव की दृष्टि के कारण बहुत शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपके देखिए वैवाहिक जीवन में कोई भी परेशानी चली आ रही थी, वाद विवाद थे, कोई भी आपके उलझने चली आ रही थी, तो वो दूर होगी। गुरुदेव की दृष्टि में अमृत माना जाता है, तो आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाने का काम करेंगे गुरुदेव बृहस्पति। आपके लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। आपकी व्यस्तता के कारण या किसी भी कारण आप समय नहीं दे पा रहे थे, तो अब आपको परिवार को समय देना चाहिए, समय काफ़ी शुभ आ रहा है आपके लिए। तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद को दूर करने का अच्छा समय है, कोई भी परेशानी चली आ रही थी तो वो दूर होगी। मीन राशि वाले जातकों के लिए एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में बड़ा मुनाफा होने वाला है। सप्तम भाव को हम व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखते हैं, आपके दशमेश होकर ये आपके सप्तम भाव को प्रभावित करेंगे, यानी नया व्यापार करना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है, पुराना व्यापार में कोई ना कोई नया एक तरह से आइडिया इन्वेंट करना चाहते हैं वो भी अच्छा है। तो व्यापार में कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात भी आपकी हो सकती है, जिस कारण आपका व्यापार आगे अच्छा आपको रिजल्ट देगा। लोगों के सहयोग से व्यापार में विस्तार करने का समय आ चुका है, अब आप व्यापार को फैला भी सकते हैं, ऐसे शुभ योग बन रहे हैं। बड़ा मुनाफा होने वाला है गुरुदेव की दृष्टि के कारण, आपके लिए एक अच्छे लाभ के स्रोत खुलने जा रहे हैं, कई क्षेत्रों से आप पैसा कमा सकते हैं, एक्स्ट्रा मनी के भी सोर्स खुलने वाले हैं। देखिए दर्शकों, जो मीन राशि वाले जातक अभी तक अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह के शुभ योग गुरुदेव के गोचर के कारण बनने जा रहे हैं। आप प्रयास करिए, निश्चित तौर पर जून के बाद में आपको कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है और इस गोचर में आपका विवाह होना तय दिखाई दे रहा है। अगर आपकी कुंडली में भी विवाह के योग हैं तो निश्चित मानिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए विवाह के शुभ योग बनने जा रहे हैं। इसके बाद देखिए दर्शकों, गुरुदेव का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर रहेगा, सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर रहेगी, इस कारण आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद बनेगा, भाग्य पूरा साथ देगा। भाग्य के कारण अब आपके कामों में तेजी आएगी, जो काम अटके हुए थे वो पूरे होंगे, साथ ही साथ आप पूजा पाठ हवन आदि में भाग लेंगे, आपका मन पूजा पाठ में बहुत लगेगा, एक तरह से भगवान के साथ आप अलग ही अटैचमेंट महसूस करेंगे। इसके साथ ही साथ साधु संतों का आशीर्वाद मिल सकता है, इस वर्ष कोई ऐसी जगह तीर्थ स्थानों पर आप जा सकते हैं जहाँ पर पूज्य साधु संतों का आशीर्वाद आपको मिलने के अवसर मिलेंगे। साथ ही साथ परिवार के साथ तीर्थ यात्राएं करने का मौका मिलेगा, परिजनों के साथ तीर्थ यात्राएं कर सकते हैं,
काम धंधे के रिगार्डिंग भी आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है। छोटी मोटी यात्राएं काम के सिलसिले में भी होने वाली है। गुरुदेव के कारण देखिए आपका भाग्य पूरा साथ देगा, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि मीन राशि वालों के लिए देखिए लग्नेश का प्रभाव भाग्य भाव पर रहेगा, तो निश्चित तौर पर भाग्य साथ देगा। भाग्य के कारण अब आपके सारे काम बनते नजर आएंगे। इसके बाद देखिए दर्शकों, गुरुदेव का प्रभाव आपके इनकम हाउस पर भी रहेगा, यानी 11th हाउस पर गुरुदेव की दृष्टि रहेगी। हालांकि ये दृष्टि नीच राशि में पड़ रही है, तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा, क्योंकि आपको इनकम के सोर्स तो आपके अच्छे बनेंगे, पर थोड़ा थोड़ा नौकरी पैसा लोग हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। पैसा अच्छा आएगा, बस थोड़ा खर्च करते समय ध्यान रखिएगा, खर्चों पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, विवाह के योग भी बनने जा रहे हैं, यानी आप अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह के योग भी बनेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर वाले लोगों के लिए बड़े लाभ होते दिख रहे हैं, आपको बड़े उच्च पद पर भी आसीन किया जा सकता है, यानी प्रमोशन होने के भी योग आपके लिए बने हुए हैं। देखिए दर्शकों, मीन राशि वालों पे 7.5 चल रही है, तो थोड़ा सा मानसिक तनाव तो आप महसूस कर रहे होंगे, परंतु एक बात ये भी ध्यान रखिए कि अब आपके लिए समय काफ़ी शुभ आ चुका है। आपको निश्चित तौर पर लाभ होंगे। जो भी आपके अंदर मानसिक तनाव था, चिंताएं थी, उनको गुरुदेव मरहम लगाने का काम करेंगे, क्योंकि भाग्य साथ देगा तो फ्रस्ट्रेशन भी दूर होगी। जो काम में देरी थी, रुकावटें थी, उस कारण आपके अंदर तनाव भी ज़्यादा हो रहा था, चिंताएं भी हो रही थी, अब कामों में तेजी आएगी, तो निश्चित तौर पर आपके अंदर खुशी आप खुद महसूस करोगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति देखी जा सकती है गुरुदेव के गोचर के कारण। इसका आप लाभ उठाइए, बस अपनी मेहनत पर ध्यान दीजिए, आपको बड़े लाभ होने वाले हैं। देखिए दर्शकों, उपाय कर सकते हैं आप। लग्नेश आपके गुरुदेव बृहस्पति स्वयं हैं, तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं विधि विधान से, तो भगवान गुरुदेव का आपको आशीर्वाद मिलेगा। इसके साथ ही साथ पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाइए, केले के वृक्ष में जल चढ़ाइए, इससे आपको लाभ होंगे। अगर केले के वृक्ष की अगर आप 7 परिक्रमा कर सकें गुरुवार के दिन, तो बहुत अच्छे लाभ आपको देखने को मिलेंगे। गुरु के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, इससे भी अच्छे लाभ आपको होने वाले हैं। तो दर्शकों, ये उपाय अवश्य करिए, इससे आपको अच्छे लाभ होंगे, जो भी संकट है वो दूर होंगे। आज के लिए इतना ही दर्शकों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करिए। हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।